दुनिया ये तो मानेंगे ही कि परमात्मा एक है। अभी सारी दुनिया का परम पिता परमात्मा जो एक है तो उनको ही कहा जाता है निराकार परमात्मा। और निराकार परमात्मा के लिए ही सारी दुनिया परमात्मा एक कहती है। तो ये भी समझने की बात है। तो परमात्मा तो एक ही है ना, ऐसे तो नहीं है ना सभी धर्म का परमात्मा अलग अलग है, नहीं, सभी धर्मों का धर्म पिता अलग अलग कह सकते हैं। जैसे क्राइस्ट भाई क्रिश्चियन का धर्म स्थापित करने वाला, जैसे बुद्ध बुद्धिज्म धर्म का स्थापित करने वाला, परंतु खुद क्राइस्ट अथवा बुद्ध अथवा इस्लामी धर्म स्थापन करने वाले भी अपने को ऐसे नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं परम पिता परमात्मा हूँ, नहीं, उन्होंने भी उसी निराकार परमात्मा की ओर इशारा रखा कि परमात्मा वो है। जैसे क्राइस्ट ने भी अपने को सन ऑफ गॉड कहा, ऐसे नहीं कहा आई एम गॉड, नहीं, सन ऑफ गॉड। और परमात्मा उसी निराकार को कहा। तो खुद जो धर्म स्थापित है उन्होंने भी अपने को गॉड नहीं मान करके उसी निराकार को कहा। गुरु नानक देव ने भी उसको ऊपर रखा कि ऊंचे ते ऊंचा भगवन, तो निराकार को रखा नहीं, अपने को नहीं कहा कि मैं, पर अपने को तो और ही नीच रखा। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि जिन खुद धर्म स्थापित करने वालों धर्म पिताओं ने भी अपने को परमात्मा परम पिता नहीं कहा, उसने भी उसको अपना पिता रखा, तो वो उनकी संतान हो गई ना। तो ये सभी बातें समझने की है कि सबका पिता एक है। अभी सबका पिता एक जिसको निराकार कहा जाता है तो उसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए नहीं कि वो परम पिता परमात्मा कौन। अभी हम भारतवासी भी जो कृष्ण अथवा राम को मानते हैं तो ये भी तो समझने की बात है नहीं कि कृष्ण और राम उनको परमात्मा कहें या वो भी परमात्मा की संतान कहें, क्योंकि कृष्ण और राम ये तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजे महाराजाए सत्ययुग और त्रेता के होकर के गए हुए हैं, और ये देवी देवता तो इन्हों को देवता कहेंगे। इन देवताओं को ऐसा देवता बनाने वाला भी वो परम पिता परमात्मा, तो परमात्मा तो अलग हो गया नहीं। इसीलिए तो भारतवासियों में ही ये चित्र भी है रामेश्वर का या कृष्ण का, सभी देवताओं का, जो सभी देवताएं शिवलिंग की जो प्रतिमा है ना उनका बैठ कर करके पूजन करते हैं, तो वो दिखलाते हैं। जैसे रामेश्वर का दिखलाते हैं राम ने शिव का पूजन किया है, और ऐसे कृष्ण का भी दिखलाते हैं, और सभी देवताओं का मिला हुआ भी दिखलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है। तो वो शिवलिंग प्रतिमा उसी निराकार परमात्मा की, जिसको ज्योति रूप या ज्योतिर्लिंगम निराकार परमात्मा कहा जाता है, उनकी प्रतिमा है जिसको दिखलाते हैं चित्रों में कि सभी देवताएं भी उसकी मान्यता करते हैं, कृष्ण राम आदि भी। तो ये समझने की बात है कि वो जो निराकार जिसको शिव कहा जाता है, परंतु कई भारतवासी शिव और शंकर को भी नहीं समझते नहीं, इसलिए वो समझते हैं कि शिव और शंकर एक है। अभी ये ऐसा नहीं है, शिव कहा जाएगा निराकार को ना, और शंकर तो जो चित्रों में दिखलाते नहीं वो सांप बांप पड़े हैं ये सभी, अभी ये भी उनका बच्चा, ये भी देवता कहेंगे शंकर को, देवता कहेंगे शंकर को, परमात्मा नहीं कहेंगे, शिव को परमात्मा कहेंगे। तो शिव और शंकर के भी अंतर को समझना है नहीं। तो शंकर हो गया शिव का बच्चा, और सभी देवताएं शिव के बच्चे, धर्म स्थापित धर्म पिताएं भी शिव के बच्चे, तो शिव निराकार उनको कहा जाएगा ज्योतिर्लिंगम निराकार परमात्मा, उन्हीं को ही परमात्मा
कहा जाता है। तो अभी सब का पिता तो एक हो गया नहीं, इसीलिए हर एक के ऑक्यूपेशन को समझने की बात है कि परमात्मा क्या, देवता क्या और मनुष्य क्या बन सकता है। मनुष्य परमात्मा बन सकता है या मनुष्य को देवता बनना है, तो ये भी तो सभी चीजें समझने की नहीं, हर एक की स्टेज, हर एक का ऑक्यूपेशन अच्छी तरह से समझना है। सब मिल मिला कर करके एक ही तो नहीं कहने का है नहीं। अभी मिनिस्टर, गवर्नर, कलेक्टर सबकी पोस्ट अलग है और हर एक का ऑक्यूपेशन, कर्तव्य अलग है, ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं सब एक ही एक है। इसी तरह से परमात्मा और परमात्मा का कर्तव्य अलग है और देवताएं और देवताएं के गुण, ऑक्यूपेशन अलग है। तो हर चीज को समझने की बातें हैं, इसीलिए देवता और परमात्मा को मिला के एक कह देना ये बड़ी बारी भूल हो जाती है। तो जिसको हम मानते हैं परम पिता, सारी सब दुनिया एक को कहती है, तो वो एक कौन, तो एक है ये ज्योतिर्लिंगम निराकार परमात्मा, जिसको स्टार लाइट कहो या बिंदी कहो, है तो हाँ छोटी सी, ये तो चित्र में बड़ा दिखाया लेकिन है तो आत्मा भी ऐसी चीज है, परंतु आत्मा हर एक की अपनी अपनी अलहदी है। और ऐसे भी नहीं कहेंगे कि जितने मनुष्य है ना उतनी आत्माएं हैं, ऐसे नहीं कहेंगे सबकी आत्मा एक ही है, नहीं, तो हर एक आत्मा अलग अलग, जितने मनुष्य उतनी आत्माएं हैं। सोर्स है, एक सोल नहीं है, सोल सुप्रीम सोल जिसको गॉड कहा जाता है वो एक है। तो सभी आत्माओं में उनको ऊंचा कहेंगे क्योंकि वो जन्म मरण रहता है, तो गॉड को सुप्रीम सोल कहेंगे। आई एम सोल, हम आत्माएं मनुष्य, आत्माएं यानी आत्मा है, तो अपने को कहेंगे आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो गॉड को सुप्रीम सोल कहेंगे। सुप्रीम क्यों कहा जाता है, उसको है वो भी सोल, परंतु सुप्रीम क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। और हम सब आत्माएं शरीरधारी जन्म मरण में आते हैं इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, पार्ट बजाना ये अनेक जन्मों का हम आते हैं, लेकिन हम आत्माएं आती कहाँ से हैं, निराकारी दुनिया से। निराकारी दुनिया का मतलब ये है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड है यानी इनकॉर्पोरियल एक नहीं है, इनकॉर्पोरियल की भी वर्ल्ड है यानी बहुत है। वर्ल्ड कहा जाता है उसी चीज को जिसमें बहुत हो, देखो ये मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य की वर्ल्ड या इसको कहा जाता है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो ये कॉर्पोरियल बहुत है ना, एक थोड़ी है, एक होता मनुष्य तो फिर इसको वर्ल्ड नहीं कहते, तो ये बहुत है इसीलिए इसको कहा जाता है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, यानी कॉर्पोरियल यानी ये साकार शरीर धारण करने वाले मनुष्यों की दुनिया। तो शरीर धारण करने वाले मनुष्य आत्माएं बहुत है, एक नहीं है, एक होता तो फिर इसको दुनिया नहीं कहते, दुनिया माना जिसमें बहुत होते तो इसको मिला के दुनिया कहने में आती है। इसी तरह से निराकारी भी दुनिया है, माने बहुत है निराकारी, एक नहीं है, तो बहुत कौन, आत्माएं, और परमात्मा भी वहां का निवासी। तो ये सभी चीजें समझने की है कि ये सब सोर्स, उनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, हिंदी में कहते हैं निराकारी दुनिया और अंग्रेजी में कहेंगे इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, और इसको कहेंगे कॉर्पोरियल, साकार दुनिया को कॉर्पोरियल वर्ल्ड, और हिंदी में कहते हैं साकार दुनिया। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, इसीलिए हमारा पिता सारी दुनिया का एक उन्हीं को कहा जाएगा। अभी ये जो कई भारतवासी भी समझते हैं कि परमात्मा का अवतरण हुआ, अभी उनका अवतरण को भी समझना है कि हाँ सुप्रीम सोल भी जो निराकार है ना, अभी उसका अवतरण हुआ। अभी अवतरण का मतलब है जैसे हम आत्माएं भी ऊपर से निराकारी दुनिया से यहाँ आती है ना साकार में यानी शरीर को लेती हैं, तो परमात्मा भी जो सुप्रीम सोल है वो भी एक बार आता है, परंतु वो कहते हैं मैं मनुष्य सदृश प्रकृति के वश होकर के कर्म के हिसाब से शरीर नहीं लेता हूँ, मैं आता हूँ प्रकृति को अधीन कर करके यानी उसका आधार लेकर के। तो मैं प्रकृति, ये गीता के भी वर्सन है
कि मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, यानी टेम्पररी आकर करके मनुष्य तन का सहारा, बाकी मेरा कोई अपना तन अपने कर्मों के हिसाब से ऐसा नहीं, पर तो मैं क्यों आता हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। ये मनुष्य आत्माएं जो पांच विकारों के वश होकर करके माया की बॉन्डेज में बंध गई है ना, ऐसी जब दुख शांति में आ जाती हैं आत्माएं अथवा मनुष्य, तभी फिर मैं आकर कर करके उन्हों को उससे छुड़ाता हूँ। तो कहा भी नहीं यदा यदा, देखो गीत भी अभी सुना कि आ चोर दे आकाश सिंहासन, अभी कोई आकाश में तो नहीं बैठा है नहीं, आकाश से पास जिसको कहा जाएगा इन्फिनिट लाइट, तो आकाश ये पांच तत्वों के भी पार इन्फिनिट लाइट में, जहाँ आत्माएं भी निवास करती हैं और जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं, जैसे इस ईथर में आकाश में, तो इस ईथर में मनुष्य रहते हैं, इसी तरह से इन्फिनिट लाइट में फिर उसको आत्माओं के और परमात्माओं का निवास है। तो आत्माएं वहां से आती हैं, लेकिन एक बार परमात्मा भी कहते हैं जब सब आत्माएं आकर करके यहाँ जन्म मरण के इसी चक्कर में फिर पांच विकारों के वश फंस जाती हैं, तब फिर मैं उनको छुड़ाने आता है। तो कहे नहीं गीत में भी सुना कि यदा यदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है अर्थात धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, अथवा जब पाप बढ़ जाता है तब तब मैं आता हूँ। तो आते हैं काहे के लिए, आते हैं पापों से छुड़ाने के लिए, तो वो उनका पावर शक्ति काम करती है पापों, क्योंकि सुप्रीम सोल है ना, वो जन्म मरण रहता है, एवर प्योर है, तो उनको कहा जाएगा परमात्मा को एवर प्योर। और हम आत्माएं आती हैं जन्म मरण में, इसीलिए हम आत्माएं जो है ना पाप आत्मा बनती है। देखो कहते भी है ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो पाप और पुण्य आत्मा के ऊपर लगता है ना, ऐसे नहीं जैसे कहीं समझते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, नहीं आत्मा को ही तो लगता है नहीं। अगर आत्मा को नहीं लगता तो मनुष्य जो एक शरीर छोड़ कर करके दूसरा शरीर कौन लेती है, आत्मा ही तो लेती है नहीं, आत्मा ही तो ये बॉडी कवर छोड़ करके जा करके दूसरा लेती है, तो आत्मा ही तो अपने कर्मों का हिसाब ले जाती है नहीं, अच्छा बुरा, तो अच्छा बुरा आत्मा के साथ रहा तभी तो आत्मा जाती है और जा करके फिर जो कर्म का हिसाब है दूसरे जन्म में पाती है, तो वो कौन पाती है, आत्मा ही तो पाती है नहीं। अगर शरीर को पाना हो तो शरीर जावे हा? नहीं शरीर तो इधर छोड़ा, जाती है आत्मा, तो उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल आत्मा है ना, आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्म का हिसाब ले करके दूसरे शरीर को जा करके लेती है, तो लेती और छोड़ती कौन है, आत्मा, शरीर एक छोड़ती है दूसरा लेती है और कर्मों का हिसाब उसके साथ रहा, तो अच्छा चाहे बुरा वो आत्मा के साथ रहा नहीं, तो लेप छेप यानी आत्मा के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही ना, तो ये सभी चीजें के समझना है। इसीलिए परमात्मा कहते मैं आता हूँ तभी जब ही आत्मा के ऊपर ये मैल आवरण कहो या अंग्रेजी में इसको डस्ट हाँ ये सब चढ़ती है, तो उनको आता हूँ फिर उतारने के लिए। जैसे देखो सूर्य होता है ना चंद्रमा होता है उनके ऊपर ग्रहण लगता है, तो फिर हाँ कहते ना दे दान तो छूटे ग्रहण, तो अभी आत्मा के ऊपर भी ये माया का पांच विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, तो बाप कहते हैं अभी दे दान यानी ये विकारों को छोड़ो तो फिर तुम्हारा ये ग्रहण उतर जाएगा, फिर तुम आत्मा जो असल प्यूरिफाइड थी ना वो प्यूरिफाइड हो करके फिर तुमको शरीर भी प्यूरिफाइड मिलेगा, जिन्हों को फिर देवता कहते थे, अभी श्री कृष्ण और श्री राम इन्हों को देवता कहते हैं, क्यों कि इनकी आत्मा भी पवित्र थी और शरीर भी पवित्र था, तो इन्हों को देवता कहा जाता है। तो ऐसे देवताएं आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र ऐसे सिर्फ सतयुग और त्रेता के मनुष्य थे, यानी देवता को मनुष्य कोई कहेंगे ना, मनुष्य क्वालिफाइड जिनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, तो ये मनुष्य संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, कंप्लीट थे, तो कंप्लीट मनुष्य को देवता कहा जाता है, इसीलिए वो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो ये सभी चीजें समझने की है, क्योंकि भारतवासी श्री कृष्ण को तो मानते हैं, पर तो वो जो सुना है ना कि श्री कृष्ण फिर भगवान कह दिया, क्यों कि उनको गीता का भगवान कृष्ण को रख दिया है, वो समझते हैं द्वापर के समय में कृष्ण आया
और उसने यहाँ कर कर करके ये ज्ञान दिया। अभी ज्ञान दिया निराकार परमात्मा ने, जिसको शिव कहते हैं, शंकर नहीं, ये भी समझने की बात है, शिव ज्योतिर्लिंगम, वो आया और उसने आकर करके ज्ञान दिया। उनको ही कहा जाता है नहीं नॉलेजफुल, नॉलेजफुल किसको कहेंगे, निराकार परमात्मा को। यानी ज्ञाननहार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ये सब उनके अंग्रेजी में भी कहते हैं ब्लिसफुल, पीसफुल, उनको ही कहा जाता है नहीं, ओशन ऑफ नॉलेज। देखो ये महिमा किसकी है, तो ये ओशन ऑफ नॉलेज या नॉलेजफुल उनको ही कहा जाता है नहीं, तो ओशन ऑफ पीस, ये सभी उनके लिए है। तो ये है सारी परमात्मा की महिमा। अभी ये कोई देवता या मनुष्य के लिए तो नहीं कहा जा सकता ना। अभी उसने आकर करके जो ज्ञान दिया और मनुष्य को क्या बनाया, फिर मनुष्य को कंप्लीट कैसा बनाया, वो फिर कंप्लीट मनुष्यों में ये देवता भाई श्री कृष्ण श्री राम। तो ये है मनुष्य का आदर्श, तो मनुष्य भगवान ने कैसा बनाया ऐसा कंप्लीट। इसीलिए कहते हैं यदा यदा, जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आता हूँ ऐसे मनुष्य बनाने के लिए। तो परमात्मा जो आते हैं अधर्म नाश कर करके सत धर्म जो स्थापन किया, तो सत धर्म की मीनिंग क्या है, माना क्या है, उनका मतलब यही है कि सत धर्म माना धर्मात्माए मनुष्य। तो धर्मात्माए मनुष्य कौन थे, ये देवी देवता है। इन्हों कोई महान आत्माए धर्मात्माए इन्हों कोई कहा जा सकता है। आज की दुनिया में किसी को भी महान, महान माना सबसे श्रेष्ठ, जिसके ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं, तो देवताओं के ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं है यानी मनुष्य। बाकी परमात्मा तो सबसे ऊपर है ही, वो तो बात अलग रही, परमात्मा के साथ में तो किसी की भेंट ही नहीं जा सकती है, वो तो गॉड इज वन, वन के साथ दूसरा हो ही नहीं सकता है। नहीं, गॉड एंड गॉडेस भी जो अंग्रेजी में कहते हैं तो वो भी देवी देवताओं को है, परंतु वास्तव करके निराकार परमात्मा को तो कोई गॉडेस नहीं है ना, यहाँ वो तो गॉड कहेंगे, परंतु ये क्यों कहा है गॉड एंड गॉडेस, यानी परमात्मा ने जो गॉड है उसने जो धर्म स्थापन किया है ना, तो देवताओं का धर्म जो कहा है नहीं मैं आता हूँ सत धर्म, तो सत धर्म कौन सा, ये देवी देवताओं वाला धर्म स्थापन किया है, तो उन्हों धर्म का नाम पर गया है गॉड एंड गॉडेस, जैसे हिंदी में भी कहते हैं भाई भगवती भगवान। अभी वास्तव करके मनुष्य को भगवती भगवान कह नहीं सकते हैं, परंतु वो नाम हुआ, जैसे क्राइस्ट ने धर्म स्थापन किया तो फिर क्राइस्ट के धर्म का नाम क्या हो गया, क्रिश्चियन, यानी क्राइस्ट के नाम के ऊपर। इसी तरह से ये गॉड ने धर्म स्थापन किया तो उसके धर्म का नाम हो गया गॉड एंड गॉडेसेस। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य गॉड एंड गॉडेसेस कहलाए जा सकते हैं, परंतु उनको भगवती भगवान यानी भगवान के द्वारा जो मनुष्य ऊंचे बने, तो भाई भगवान के द्वारा ये भगवती और भगवान। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान और भगवती कोई बहुत थे, गॉड इज वन, परंतु ये जैसे क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियन भाई बहुत हो गए नहीं, तो क्रिश्चियन नाम कहाँ से हुआ, क्राइस्ट के नाम से। जैसे भाई बुद्धिज्म, बुद्धिज्म किस नाम से कहते हैं, भाई बुद्ध के नाम से। इसी तरह से भगवती भगवान किस नाम से कहते हैं, भाई भगवान के नाम से। तो भगवान ने धर्म बनाया ना, इसीलिए उस धर्म के नाम भगवती भगवान। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान तो एक ही है ना। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हर एक बात को समझना यथारथ रीत से, इसका नाम ही ज्ञान है। बाकी ज्ञान का मतलब ये नहीं है बैठ करके खाली वेद शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करो कराओ, नहीं, हमको अपना सेल्फ का, तो सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट एम आई, सेल्फ का यथार्थ नॉलेज होना चाहिए। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किधर जाएंगे, क्या करने का है, इन सब बातों की यथार्थ, गॉड क्या है और हम मनुष्य कहाँ तक ऊंचे हो सकते हैं, हमारे लाइफ की एम क्या है, मनुष्य क्या है और मनुष्य क्या हो सकता है, तो इन सब बातों की यथार्थ नॉलेज होनी चाहिए ना। तो अभी देखो परमात्मा के द्वारा वो नॉलेज मिल रही है, क्योंकि उसने कहा है नहीं यदा यदा है, जब जब अधर्म तभी आता हूँ। तो अभी देखो ये वही टाइम है और आकर करके अभी समझा रहे हैं, और ये कॉलेज भी तो उनकी है ना, ये जहाँ हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमको पढ़ाने वाला हमारा टीचर कौन, परम पिता परमात्मा, वो नॉलेजफुल। अभी ये भी समझने की बात है ना कि परमात्मा को अगर आकर के नॉलेज सुनाना पड़े, वो तो है सोल, सुप्रीम सोल, तो निराकार ऊपर से ऐसे ही सोल ऐसे ही तो नहीं बोलेगी ना, उनको ऑर्गन्स चाहिए, शरीर चाहिए, तो परमात्मा शरीर आकर के लेगा तो आता ही है अधर्म के टाइम पर,
अभी अधर्म के टाइम पर कृष्ण जैसा शरीर कहाँ होगा। कृष्ण जैसे सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी ऐसे शरीर तो सतयुग में थे ना। अभी परमात्मा को सतयुग में तो आना ही नहीं है। सतयुग में क्या करेंगे आकर के? सतयुग तो है ही सतयुग, उनको आकर के ही अधर्म नाश कर करके सतयुग बनाना है। तो जो चीज परमात्मा को बनानी है वो चीज के समय पर कैसे आएगा? उसको आना है अधर्म के टाइम पर, यानी कलयुग के टाइम पर, कलयुग के भी अंत में। इसीलिए बाप कहते मैं कलयुग के पिछाड़ी में आऊंगा तो मुझे मनुष्य कैसा मिलेगा? हाँ, मैं शरीर का आधार लूंगा तो मुझे मनुष्य भी ऐसा ही मिलेगा ने। यानी अधर्म के टाइम पर अधर्मी ऐसा, यानी तमोपरधान ऐसा मनुष्य मिलेगा, जिसके तन में आकर के उसको भी पवित्र बनाऊंगा, उसके साथ दूसरे भी जो ज्ञान सुनेंगे वो भी पवित्र बनेंगे। तो उनको श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कैसे शरीर मिलेगा? ऐसे अधर्म के टाइम पर ऐसा शरीर और ऐसी पवित्र आत्मा है ही कहाँ? ऐसा तो बनाने के लिए आता है, जो चीज जो बनाने के लिए आता है वो चीज पहले कैसे होंगी? जैसे क्राइस्ट आया, तो क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म पीछे हुआ ना, क्राइस्ट के बाद में। क्राइस्ट आया तो बाइबल भी पीछे हुआ, उसने जो वर्षंस बोले फिर उसका बैठ करके लिखने वालों ने जो किताब बनाया उनके ऊपर नाम रखा बाइबल। परंतु ऐसे तो नहीं, नहीं क्राइस्ट आया तो पहले बाइबल था या पहले ये क्रिश्चियन धर्म था, नहीं पीछे। इसी तरह से परमात्मा आया तो परमात्मा के पीछे ही तो ऐसे देवी देवता है जैसे मनुष्य बने ना। अभी श्री कृष्ण को तो ऊंचा गिना जाए ना, देखो उनकी उनकी कितनी महिमा है। वास्तव करके श्री कृष्ण पहला सतयुग का पहला प्रिंस, और पीछे बड़ा हुआ है तो उनको श्री नारायण कहेंगे। तो ये भी चीजें समझने की है ना। तो श्री कृष्ण सोई फिर श्री नारायण, यानी बड़ेपन में उसका जब स्वयंवर हुआ है तो उसका नाम श्री नारायण, तो छोटेपन में राधे कृष्ण, पीछे फिर बड़े होते हैं तो लक्ष्मी नारायण। राधे का नाम लक्ष्मी और उनका नाम श्री नारायण, लेकिन ये सतयुग के हो गए ना। तो ये भारतवासी ये बातों को न समझने के कारण सब यानी बाप और बेटे को मिला रखा है। जैसे अगर कोई गांधी के बायोग्राफी के ऊपर अगर नेहरू का नाम लगा दे तो फिर न नेहरू की बायोग्राफी सिद्ध होगी न गांधी की बायोग्राफी सिद्ध होगी। तो इन्होंने मानो श्री परमात्मा के ऊपर, निराकार परमात्मा की बायोग्राफी के ऊपर श्री कृष्ण का नाम रख दिया है, बाप के बायोग्राफी के ऊपर बेटे का नाम रख दिया। तो न बेटे की बायोग्राफी सिद्ध हुई, न बाप की बायोग्राफी सिद्ध हुई, न श्री कृष्ण की बायोग्राफी सिद्ध होती है, न निराकार परमात्मा की बायोग्राफी सिद्ध होती है। तो दोनों मिक्स हो गई है ना। तो ये सभी चीजें समझने की है कि निराकार परमात्मा जिसको शिव कहा जाता है, और कहते भी ना शिवलिंग, ये जो मंदिरों में पूजे जाते हैं शिवलिंग, तो ये सभी समझने की, शंकर नहीं, ये बार बार समझने का है कि शंकर और शिव का अंतर है। इसीलिए शिव, तो अभी शिव को जो मानते हैं ज्योतिर्लिंगम निराकार, और इसी प्रतिमा को फॉरेन देशों में भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, मक्के मदीने में भी इनकी ये प्रतिमा है। आप लोगों को बताया था नहीं, हमारी पार्टी जब यहाँ से जापान में गई थी तो जापान में भी एक संस्था में गए थे, जिस संस्था में भी उन्हों के पास भी ऐसा शिवलिंग के सदृश छोटे छोटे पत्थर पॉकेट में पड़े थे। फिर वो पॉकेट से पत्थर निकाल कर करके उनका जब भी क्लास होता था, यानी जब भी स्टूडेंट सभी जो वहाँ बैठ कर करके योग आदि सीखते थे, तो वो अपने ज्योत की दीवे के आगे वो रख कर करके उसका ध्यान करते थे। तभी इन लोगों ने उन्होंने से पूछा कि ये जो आप ध्यान रखते हो ये पत्थर रख करके इसका मतलब क्या है? तो वो बेचारे तो पूरा समझा नहीं सके। उन्होंने कहा खाली हमको जो सिखाने वाले हैं उन्होंने हमको कह दिया है कि ये रख कर करके आप उसका ध्यान करो। परंतु उनसे पूछा गया कि अगर ध्यान भी करने की है तो कोई भी चीज रख कर करके उसका ध्यान न करो, फिर खास ये पत्थर और सो भी इसी लिंग आकार के शेप में इसका क्यों? तो वो बेचारे अधिक तो कुछ समझा नहीं सके ना। फिर उन्होंने बैठ कर करके उनको समझाया कि ये जो है ये प्रतिमा उसकी है परमात्मा की, और तुम्हारी हर एक आत्मा का भी यही है। तो ये आत्मा और परमात्मा का ये जो है वो उनकी शेप अथवा उनका आपको दे दिया है, पर उनका ज्ञान न होने के कारण आप लोगों को ये पता नहीं। खाली आप समझते बस इस पत्थर को देखते रहने से ना हमका हमारा ध्यान उसमें लगेगा, फिर किधर बुद्धि नहीं जाएंगी, तो कॉन्सेंट्रेट खाली इनको लगा करके करते हो, पर तो वास्तव कर करके ये है क्या उनको भी तो जानना चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए।
तो खाली बैठ कर करके कोई चीज रख करके ध्यान करना, वो तो कोई भी चीज रखो उसमें अटेंशन दियो तो दूसरे तरफ बुद्धि नहीं जाएंगी। तो ये तो खाली ऐसे नहीं है ना खाली ध्यान किसी चीज में लगा करके उसको कहेंगे ध्यान, नहीं, ये तो हमको सेल्फ रियलाइजेशन हर वक्त अपने में रखना है कि आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, चलते फिरते इस बॉडी से डिटैच रहने का है ना, ये बॉडी से इस ऑर्गन से, यानी जैसे देखो ये हाथ है, हम ये हाथ से लिखाते हैं, ये मुख से हम बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन कौन, आई एम सोल। तो अपने को हर वक्त सोल समझना, तो आई एम इसको कहेंगे सोल कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस। तो जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना ही गॉड कॉन्शियस रहेंगे। सोल तो सन ऑफ सुप्रीम सोल है ना, उसको गॉड कॉन्शियस जरूर आएगा बुद्धि में कि हम उसकी संतान है, तो गॉड की संतान है। ऐसे नहीं आई एम गॉड, आई एम सोल, आई एम गॉड, नॉट, आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल। तो ये सारी चीजें समझने के, इसीलिए आत्मा और परम आत्मा, उस परम आत्मा को कहा जाता है परम पिता और हम है उसकी संतान। तो ये राम कृष्ण आदि भी परमात्मा की संतान बच्चे, लेकिन श्रेष्ठ महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पूर्ण है, उनको कंप्लीट सर्व गुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण। तो परमात्मा ने आकर करके जो दुनिया बनाई अथवा धर्म स्थापन किया, कहा नहीं यदा यदा है, अधर्म होता है तब मैं आकर के, धर्म तो कौन सा धर्म, ये थोड़ी भारतवासी जानते हैं कि भगवान ने कौन सा धर्म स्थापन किया। अगर किसी से पूछा भी जाए कि भाई क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट ने कौन सा धर्म स्थापन किया, तो सुना देंगे कि भाई ये देखो क्रिश्चियन धर्म है ना, तो भाई क्राइस्ट ने स्थापन किया। किसी से अगर पूछा भी जाए भाई बुद्ध आया तो उसने कौन सा धर्म स्थापन किया, तो सुना देंगे ये बुद्धिज्म धर्म है। परंतु अगर ये पूछा जाए भारतवासियों से कि भगवान ने कहा है कि यदा यदा कि जब जब मैं आता हूँ तब आकर करके मैं सत्य धर्म स्थापन करता हूँ, वो सत्य धर्म कौन सा, उसका तो नाम कोई बतला है, कोई नहीं बता सकेंगे। बहुत वाली देखो आप पूछते हैं ना, हाँ तो देखो पता है खाली सत्य धर्म, यानी सत्य का सत्य धर्म, लेकिन वो कौन सा, उसका नाम क्या है, कहाँ है वो सत्य धर्म। तो ये सभी चीजें समझने की, अभी सत्य धर्म देखो ये भारतवासियों को जो प्राचीन देवी देवता धर्म था ना, वो अभी देवी देवता धर्म तो भारतवासी अपने को मानते नहीं है, अभी उन्होंने तो अपना नाम हिंदू रख दिया है ना, वास्तव करके हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदवासी कहलाते हैं, जैसे यूरोप में रहने वाले अपने को यूरोपियन कहते हैं। परंतु अगर उससे धर्म पूछा जाएगा तो वो ऐसे थोड़ी कहेंगे हम यूरोपियन धर्म के हैं, नहीं, धर्म नाम पे भी क्राइस्ट के ऊपर कहेंगे कि हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। बाकी अगर पूछेंगे भाई रहने वाले, तो रहने वाले कहेंगे हम यूरोप के रहने वाले यूरोपियन से हैं, बाकी धर्म क्रिश्चियन। इसी तरह से भारतवासी हिंदुस्तान यानी हिंदवासी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो वो तो देश का नाम है नहीं, बाकी हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। धर्म तो असल भारतवासियों का देवी देवता है, पर तो आज वो लक्षण नहीं रहे ना, इसलिए बेचारे कहने को हम देवी देवता कहा जाता है। कोई अच्छा आदमी या अच्छी माता होती है तो कहते हैं भाई ये तो जैसी देवी, ये तो जैसा देवता, लक्षणों के ऊपर कहा जाता है, लेकिन आज वो लक्षण रहे नहीं है ना, इसीलिए कहने को लज्जा आती है, कहते नहीं है क्या देवी देवता। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप अभी जो नॉलेजफुल है वो बैठ कर करके समझाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं आता हूँ समझाने के लिए, जब ये दुनिया अधर्मी अथवा पतित है नहीं, तो वहां मुझे सर्वगुण संपन्न ऐसा शरीर कैसा मिलेगा, इसीलिए मैं कोई न द्वापर में आया हुआ हूँ, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग हुआ ना, अभी द्वापर में भी सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण श्री कृष्ण जैसे मनुष्य कहाँ से हुए, वो ईसाई भी नहीं थे, नहीं वो तो है सत्ययुग के, और मैं आता हूँ कलयुग में, कलयुग में आकर के कलयुग के भी अंत में सतयुग बनाता हूँ दुनिया को। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, इसलिए बाप कहते मैं आता हूँ कलयुग के समय पर तो मुझे ऐसा ही मिलेगा ना, उसी तन में आता हूँ मनुष्य के, जिसका नाम फिर मैं रखता हूँ ब्रह्मा, तो मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, ऐसे नहीं कि कृष्ण के, ब्रह्मा के तन में आकर करके वो ब्रह्मा जिसका नाम रखता हूँ मैं, उनका बैठ करके पवित्र बनाता हूँ, फिर उनका जाकर के भविष्य में सेकंड जन्म उनका फिर श्री कृष्ण बनता है। तो कृष्ण का पहला जन्म जो है ना वो कौन सा, यानी कृष्ण भी सर्वगुण संपन्न बना, वो कहाँ से बना, ऐसे तो नहीं बने बनाए ऊपर से आए, नहीं,
वो भी तो कर्म का फल है ना। तो ये सभी चीजों को समझने, कहीं तो समझते हैं कि नहीं ये कृष्ण राम आदि हो शायद ऊपर से ऐसे ही ऐसे बने बनाए कोई आए हैं, जैसे नाटकों में भी दिखला लेते हैं। यानी ब्रह्मा पर दूसरे जन्म में कृष्ण बना, तो कृष्ण का पीछा पहला जन्म जो है ना वो ब्रह्मा। तो ये सारी चीजें समझने की है कि ब्रह्मा तो कृष्ण पर, कृष्ण देखो दिखलाते नहीं वो विष्णु के नाभि कमल से भाई ब्रह्मा निकला, वो एक चित्र दिखलाते नाभि से, तो नाभि से यानी विष्णु दिखलाते, तो विष्णु कौन है लक्ष्मी नारायण। फिर छोटे पन में राधे कृष्ण को ये लक्ष्मी नारायण का, तो उसको विष्णु, तो ये विष्णु से यानी लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मा। फिर अंत में जाके ब्रह्मा, उनके जन्म लेते 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 अंत में फिर ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा तो फिर विष्णु। तो परमात्मा आते हैं तभी ब्रह्मा के तन में आएगा या विष्णु के, हा? यानी लक्ष्मी नारायण के नहीं, वो आएगा लक्ष्मी नारायण में क्या करेगा, वो तो उसको बनाना है ना, आएगा लॉस्ट ब्रह्मा के उसमें आकर कर करके, तो परमात्मा निराकार उसको ऐसा बनाता है। तो ब्रह्मा को विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, वो पवित्र देवी देवताएं। तो ये सभी चीजें समझना, और ये गाते भी हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा, देखो कहते भी है ना प्रजापिता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा द्वारा आकर करके प्रजा रची, तो कौन सी प्रजा, यही नई दुनिया की। तो वो आकर करके परमात्मा ब्रह्मा के तन से बैठ करके, कहते भी है ब्रह्मा को भी कहते हैं ब्रह्मादि क्रिएटर, यानी ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने नई दुनिया आकर के रचाई, इसीलिए कहते हैं उनके द्वारा बैठ करके मनुष्य को पवित्रता का नॉलेज दे करके और पवित्र बनाता हूँ, जिनको फिर ब्रह्मन कहते हैं। तो ब्रह्मन तो देवता, एक जन्म पहले ब्रह्मन उनको बनाता हूँ आकर करके शूद्र से ब्रह्मन, फिर ब्रह्मन तो देवता। तो ये सभी चीजें समझने की है ना। अभी ये तो कोई अच्छी तरह से आकर करके समझे सुने और तभी कोई समझ सके, बाकी कोई भले ऐसे ही टेप भी सुने या ऐसे भी लिटरेचर पढ़े, ऐसे इसी तरह से नहीं समझ पा सकेंगे। ये तो कोई जब रूबरू सनम कहा कोई बात न समझ में आए तो फिर पूछ भी सके और फिर समझ भी सके। और ये तो सनमुख समझने की बातें हैं, अगर सनमुख का महत्व न होता तो परमात्मा भी क्यों आता, अवतरित क्यों होता, उनको भी उतर के सनमुख आकर करके समझाने की जरूरत पड़ती है, तभी तो वो भी कहते नहीं मैं भी आता हूँ, मैं भी अवतरण इसीलिए लेता हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ अंदर अंदर से ऐसे ही प्रेरणा या ऐसे ऐसे समझा लेता, नहीं नहीं वो कहते मुझे आकर कर करके समझाना पड़ता है, तो मुझे भी आकर आना पड़ता है नहीं। तो ये सभी बातें हैं सनमुख समझने की और समझ कर करके और उसी पर चलने की, और चलना क्या है वो भी बैठ करके देखो। अभी हमको बाप सिखा रहे हैं नहीं, ये हमारा किसी लिए है हा? बाप बैठ करके, ये बाप की कॉलेज है ना, इसका नाम ही है भाई ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी ईश्वर का विद्यालय है। इसमें पराता कौन है, स्वयं ईश्वर। इसका टीचर कौन है, स्वयं ईश्वर यानी परमात्मा। क्या पढ़ा रहा है, मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई, नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बना के बनाने की पढ़ाई। तो अभी देखो पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या बन रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, यानी हम जो नर नारायण थे अभी देखो क्या हो गए हैं, अब फिर हमको ऐसा बनने का है। कैसे बनेंगे, बाप कहते हैं बच्चे बी होली एंड बी योगी, अर्थात पवित्र रहो, पांच विकारों को छोड़ो, इस विकारों ने इस विकारों को ही रावण कहा जाता है, ये जो रावण का 10 चीज का भी दिखलाते हैं ना, ये भी सिंबल है, पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के, बाकी 10 चीज वाला कभी आदमी नहीं होता है, 10 चीज कभी किसी जमाने में किसी को हुआ ही नहीं, मनुष्य को तो सिर एक ही है ना, देवता भी थे तो भी एक सिर ऐसे नहीं किसको तीन किसको चार भुजाएं, ये तो सभी अलंकार है, अलंकार का मतलब है निशानियां है अर्थ है इनों का, बाकी ऐसे नहीं मनुष्य ऐसे होते हैं चार भुजाएं वाले तीन आंखें वाले तीन सिर वाले नहीं। तो ये सभी समझना है, तो 10 चीज का भी अर्थ है, पांच विकार स्त्री के पांच विकार पुरुष के, उसको मिला के कहा जाता है अपवित्र प्रवृत्ति का संसार अथवा राज्य। तो अभी देखो राज्य किसका है, विकारों का, इसीलिए इसको कहा जाता है रावण राज्य। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अभी रावण को नाश करो अर्थात विकारों को नाश करो। तो ये सही बात है,
तो ये सभी बातों को समझना है नहीं। और ये चतुर्भुज को चार भुजाओं का दिखलाते हैं, उसका भी मीनिंग है, अर्थ है कि दो भुजा नारी की, दो भुजा नर की, यानी पवित्र नर नारी। वो चतुर्भुज का देवता का रूप दिखलाते हैं ना, और रावण का भयंकर रूप दिखलाते हैं, तो ये है विकारों का सिंबल और वो है देवताओं का। कि ऐसा नर नारी बनना है। लक्ष्मी चतुर्भुज भी दिखलाती है, तो दो भुजा है नारायण की, वो नारायण पीछे है, लक्ष्मी आगे है। और वो फिर विष्णु का दिखलाते हैं, तो नारायण आगे है, लक्ष्मी पीछे है, परंतु है दोनों कंबाइंड। तो कंबाइंड का पर फोटो निकाला हुआ है। तो ये सभी चीजों को समझने का है। तो देखो हर बात के अर्थ को समझना है ना, अर्थ को यथार्थ जानने को ही ज्ञान कहा जाता है। गीता में भी कहा है, मुझे अर्थ स्वरूप परमात्मा को जानने से ही तुम मेरी यथार्थ जो प्राप्ति है नहीं वो कर सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं है जैसे भी समझो, सब परमात्मा ही परमात्मा है, नहीं, परमात्मा खुद परमात्मा है। आखिर बाकी हम सब मनुष्य है, पर तुम मनुष्य में भी वो देवता है। हम देखो अभी नीचे गिर आए हैं, तो ये सभी चीजें भी समझने की, तो सबकी स्टेज समझने की है नहीं। सब मिल मिला करके एक ही कैसे होगा, एक ही एक नहीं, मिनिस्टर भी एक, गवर्नर भी एक, तो कलेक्टर भी एक, सब एक ही एक, फिर एक ही एक है, तो फिर अलग पोस्ट क्यों है, अलग ऑक्यूपेशन क्यों है, फिर तो मिनिस्टर का काम गवर्नर, गवर्नर का काम कलेक्टर, फिर तो सब चला रहे हैं, नहीं। तो ये सभी चीजें समझने की है ना। इसलिए बाप कहते हैं मेरा ऑक्यूपेशन, मैं भी क्या हूँ, मुझे भी यथारथ समझो, तू क्या है हे आत्माए, तो अपने को भी समझ। अभी तुम तो मेरा इंसल्ट करते हो, हाँ मानो परमात्मा गिरा ऐसा हो गया ना, तो मैं थोड़ी गिरा हूँ, मैं कभी गिरता नहीं, मैं कभी चढ़ता नहीं, मैं तो एवर प्योर, इसीलिए मैं एवर प्योर हूँ। बाकी तू आत्मा इम्प्योर फिर प्योर, तो आत्मा इम्प्योर से प्योर बनती है और उसको बनना है। बाकी ऐसे नहीं है कि मैं कोई एवर प्योर, मैं तो हूँ एवर ना। तो सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। इसीलिए हमारे भारत का देखो श्री कृष्ण बहुत लाडला और प्रिय है भारतवासियों को, और है भी प्रिय, क्योंकि ये हम मनुष्य की एम एन ऑब्जेक्ट है, यानी हम मनुष्य इतने उत्तम थे लेकिन अभी उनसे गिरे हैं। अभी हमको फिर ऐसा ऊंचा बनने का है, लेकिन बनाने वाला कौन, परम पिता परमात्मा, जिसने कहा है कि यदा यदा ऐसा धर्म होता है कि यानी तुम गिर पड़ते हो तभी फिर मैं आता हूँ तुमको चढ़ाने के लिए। तो तुम्हारी चढ़ी हुई स्थिति कौन सी है, ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकार। तो समझना चाहिए कि मनुष्य को आखिर क्या बनने का है और बनाने वाला कौन। तो बनाने वाला अलग, बनाने वाला नहीं गिरा है, यहाँ उनको चढ़ना है नहीं, बनाने वाला तो एवर प्योर है ना। बाकी गिरे है जो हम मनुष्य जो दुर्गति में आए हैं, उनको सदगति मिलने की है। तो सदगति की बायोग्राफी को भी समझना है ना। तो सदगति वाले कौन से मनुष्य, अभी देखो दुर्गति वाले कौन से मनुष्य है भाई, देख लो सामने बैठे हो ना, ये है दुर्गति पाए हुए मनुष्य। तो दुर्गति की दुनिया और दुर्गति पाए हुए मनुष्य की बायोग्राफी की तो सामने है कि भाई आज की दुनिया कलयुग की तमोप्रधान दुख शांति वाली जो मनुष्य की लाइफ देख रहे हो, तो जरूर सदगति भी कोई दुनिया होगी ना। ऐसे तो नहीं ना सदगति कोई बस लीन हो गया, नहीं, ये तो कोई है ही नहीं। सदगति की भी दुनिया थी जिसको स्वर्ग भी कहते हैं, तो स्वर्ग भी तो दुनिया को कहा जाता है नहीं, लेकिन अभी नहीं है। कई समझते हैं स्वर्ग भी इधर, नर्क भी इधर, जो देखते नहीं धनवान है सुखी है तो समझते हैं ये स्वर्ग है, नहीं, ये नर्क का स्वर्ग है, इसका रावण का स्वर्ग है, इसको कहेंगे रावण का स्वर्ग यानी विकारों का। वो जो परम पिता परमात्मा ने जो स्वर्ग बनाया ना, वो तो स्वर्ग स्वर्ग था ना, उसमें कोई दुख का नाम निशान नहीं था। तो ये तो रावण का स्वर्ग है, यानी रावण की थोड़ा बहुत है उसका सुख, उसको थोड़ी स्वर्ग कहेंगे, नहीं। तो ये सभी चीजों को समझने का है ना। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरा जो स्वर्ग था ना, राम, राम ने आकर करके जो दुनिया को स्वर्ग बनाया, राम कहा जाता है निराकार परमात्मा को, परंतु एक राजा त्रेता का जो था ना राम, उसका भी नाम था, जैसे यहाँ भी बहुत अपने रामचंद्र फलाने फलाने कृष्ण चंद्र नाम रखाते हैं ना, तो वो भी एक त्रेता का राजा था जिसका नाम था राम, परंतु वो जो महिमा है निराकार परमात्मा की राम उसको कहा जाता है। तो उसने आकर करके रावण को मारवाया, यानी अधर्म को नाश करवाया। तो अधर्म नाश कहो या रावण नाश कहो, बात एक ही है। परंतु ये सभी बात कर करके फिर बायोग्राफी स्टडी लिखने वालों ने बना ली है, भाई राम आया रावण को मारा,
तो राम कोई त्रेता वंश वाला नहीं नहीं, राम निराकार परमात्मा जिसने आकर के अधर्म को नाश किया या रावण को नाश किया। बाकी ऐसा नहीं दशीस वाला कोई आदमी था, राजा था, जिसको मारा नहीं, माराया यानी विकारों को मरवाया, अधर्म को नाश किया। यह अधर्म की सिंबल है, अधर्म नाश करो या रावण नाश करो, बात ऐसी है। ये सभी चीजों को समझना है ना, तो नाश करके अधर्म, फिर परमात्मा ने क्या बनाया संसार को भाई, ऐसा राम कृष्ण जैसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य की अथवा देवताओं का संसार बनाया, तो ऐसे संसार में सदा सुख था। कहते नहीं राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। कहते भाई उसी समय में शेर बकरी एक घाट पर पानी पी सकते थे, कभी कोई यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं थे। तो ये सभी चीजें समझने की, बाकी ये तो बहुत बातें लगा दिए। नहीं, वे राम की सीता चुराई गई, अभी राम की वो राजा राम की थोड़ी चुराई गई। हाँ, ये हम सीताएं, देव हम सीताएं है नहीं, निराकार परमात्मा की जो उसको याद करती है भक्तियां को, हम चुराई गई है। हमको किसने चुराया है? विकारों ने, रावण ने, तो हमको रावण ने चुराया है। बाकी वो सीता उस राजा की थोड़ी चुराई गई, अभी देखो ये उल्टी बात हो गई ना। तो उन्होंने जाकर के उस राजा के ऊपर लगा दिया कि उसकी राम की सीता चुराई गई और वो वहां ले गए। अभी वहां की थोड़ी, जहाँ कहते राम राजा राम प्रजा धर्म का अधिकार है, वैसा वहां इतना धर्म हो कि खुद राजा की कोई औरत चुरा के ले जाए, आज भी कोई मिनिस्टर या बड़े की किसकी औरत को ले जाए, कितनी बात हो जाए। हाँ, तो उसी जमाने में अगर हाँ उस राजा राम की कोई औरत ले जाए, ये कैसा, ये तो ऐसा अधर्म का जमाना और नहीं होगा। तो ये तो बातें ही नहीं है ना, वो उसी टाइम की बातें नहीं है। तो ये सभी चीजें समझने की है, तो ऐसे वो समझते हैं। ये तो भगवान ने मर्यादा दिखलाई है, मर्यादा इसी तरीके से थोड़ी, भगवान तो निराकार है, उसने आकर करके मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है। कैसे बनाया है? पांच विकारों से छुड़ा करके फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न देवता बनाया है। तो मनुष्य को देवता, और ग्रंथ में भी कहते नहीं, गुरु नानक देव के ग्रंथ में भी है, मानसते देवता ये करतन लागी वार। उसका मतलब ही है कि मनुष्य को देवता बनाने में परमात्मा को समय नहीं लगा। तो मनुष्य को देवता बनना है, मनुष्य को परमात्मा नहीं बनना है, देवता। परमात्मा तो परमात्मा ही है ना, तो ये सब चीजों को समझना है। इसीलिए शिव और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, ये बातें सब समझने। श्री कृष्ण शिव का बच्चा था, अर्थात शिव निराकार को कहा जाता है, न कि शंकर को, शंकर भी उसका बच्चा था शिव का। तो ये सभी चीजें समझने की है। तो शिव ज्योतिर्लिंगम निराकार परमात्मा, तो ये सभी गीता में भी कहा है नहीं। तो मैं जब परमात्म साक्षात्कार अर्जुन को कराया तो कहा आपका हजार सूर्यों से तेज तीखा है, वो किसका? वो वही ज्योतिर्लिंगम निराकार परमात्मा का। तो देखो सामने खड़े होते भी उनको दिखलाया अपना निराकार परमात्म रूप, तो उसको कहा नहीं कि देखो आपका हजार सूर्यों से तेज तीखा, वो तो उसमें तो लगा दिया है, पर तो मतलब उनको निराकार जो स्टार लाइट हाँ बिंदी उसका साक्षात्कार हुआ। तो ये सभी चीजें समझने की है कि निराकार कोई परमात्मा कहा जाता है, और लेकिन बैठ करके जो ज्ञान दिया ना वो ब्रह्मा तनत, और बनाया फिर उनको ऐसा सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण श्री राम जैसे बैठ करके बनाया। तो इसीलिए हमारे भारतवासियों का श्री कृष्ण इतना लाडला है, क्योंकि हम मनुष्य इतने ऊंचे थे और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण, परंतु ये सभी न जानने के कारण न देखो उसके ऊपर भगवान नाम देने से अभी भगवान का महत्व हटा दिया और देवता का भी महत्व हटा दिया। भाई मनुष्य इतना ऊंचा हो सकता है, वो चीज भी निकल गई, और भगवान निराकार है वो भी बात भूल गए। अगर आज देखो भारतवासी ऐसा समझते हाँ कि ये भारत का भगवान निराकार परमात्मा आया था, तो देखो हमारी जो भगवत गीता है ना, कहते ना भगवान गीता, देखो नाम भी है तो गीता का मान भी बड़ा हो जाता, क्योंकि भगवान ने बतलाया ना। अभी कृष्ण को तो सभी धर्म वाले भगवान नहीं समझेंगे ना, वो तो खाली भारतवासी समझेंगे। तो भगवान तो निराकार है ना, लेकिन उसने आकर करके ऐसा सर्वगुण संपन्न बनाया। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से समझने का है, और हर एक बात को समझने का यथार्थ समझने को ज्ञान कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं सब मिल मिला करके एक ही एक एक, वो तो कोई ज्ञान ही नहीं है ना।
तो ये सभी चीजों को समझना है और समझ कर सके यथार्थ रीत से और उसको फिर यथार्थ पाना। तो ये सभी बातें हैं जिसको अच्छी तरह से बुद्धि में ये क्यों समझाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ऐसी बातों में बेचारे मुझे पड़े हैं। ऐसे भी नहीं है कि आप कहां है, बहुत ऐसे समझते हैं कि ये शायद खाली शिव को मानते हैं। अभी शिव एक तो शिव और शंकर को भी बहुत नहीं समझते ना, तो समझते ये शंकर के पुजारी है। शंकर भी बच्चा था शिव का, शिव कहा जाता है वो ज्योतिर्लिंगम। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, इसलिए वो निराकार परमात्मा। और परमात्मा ने जो काम किया उसकी सिद्धि क्या, उसकी सिद्धि है ये सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण जैसे श्री राम जैसे बैठ करके मनुष्य को बनाया, जिसके लिए कहा मैं आता हूँ सतयुगी सत धर्म की दुनिया बनाता हूँ। तो सत धर्म वाले मनुष्य कौन से थे, उन्हों की कोई बायोग्राफी तो चाहिए ना, वो ये। पर दोनों के भी बायोग्राफी को देवताओं को यथार्थ न समझने के कारण श्री कृष्ण को भी 108 रानियां फलाना फलाना बातें लगा दिए। नहीं तो 108 रानियां श्री कृष्ण को नहीं थी, ये सभी बातें समझने की है। वो तो श्री कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, बहुत ऊंचा था, उस जैसा मनुष्य ऊंचे में ऊंचा कोई है नहीं, सबसे ऊंचे में ऊंचा मनुष्य देवता, हाँ उनकी महिमा तो बहुत ऊंची है। तो ऐसे के ऊपर ये बातें रखना, इसीलिए देखो क्रिश्चियन लोग है ना, वो अपने कन्वर्ट करने के लिए या अपने धर्म में फिर ऐसे ही बातें गिलानी की बतलाते थे, वो आपका भगवान कैसा था, इसको 108 रानियां थी, आपका भगवान की एक औरत चुराई गई राम की, हाँ एक भगवान की औरत चुराई गई, दूसरा भगवान तुम्हारा ना दूसरों की औरत चुराता था, हाँ वो कहते ना रुक्मणी फलानी फलानिया श्री कृष्ण ने चुराई। तो वो घर कर करके गिलानी करती है कि देखो एक भगवान तुम्हारा दूसरों की औरत चुराते थे और दूसरे भगवान की खुद औरत को ही चुरा के ले गए, देखो तुम्हारे भगवान ऐसे भगवान थे। परंतु क्या है कि भारतवासियों ने अपने पूज्य देवताएं अर्थात पूजनीय देवताओं के ऊपर भी ऐसी ऐसी बातें लगा रखी है ना, इसीलिए नहीं तो इसका अर्थ है कि सीता चुराई गई तो उस राम की थोड़ी पेटावन चुरा, ये निराकार परमात्मा कहती है मेरी तुम सीता है यानी आत्मा है, तुम चुराई गई हो, तुमको रावण ले गए यानी पांच विकार, और मैंने आकर के कहते मैं भगवान ने आकर करके मैंने आकर करके तुमको आकर के देखो ये कॉलेज में पढ़ाया है, उसमें से 108 नंबर मुख्य जो पास हुए हैं जिसकी 108 की वैजंती माला से मिलते हैं, तो ये 108 नंबर है कि जिन्होंने बैठ कर करके इस नॉलेज से पांच विकारों को पूर्ण जीता है और जो विन किया है उनको देखो भविष्य में सतयुगी दुनिया में फिर ये राजे महाराजे बने हैं। तो वो अभी की बात है जब परमात्मा आया है, बाकी ऐसे नहीं श्री कृष्ण को 108 रानियां थी, 108 मेरे बच्चे थे, तो कहां भगवान के मेरे बच्चे जिन्होंने विन किया है जिन्होंने बैठ कर करके ये पांच विकारों को जीता है उनका ये नंबर है, और कहां पर वो कृष्ण के साथ लगा दिए। तो देखो बात ही गड़बड़ हो गई, यही बात हो गई जैसे समझाए ना गांधी के ऊपर अगर नेहरू का, गांधी के बायोग्राफी के ऊपर अगर नेहरू की नाम दिया जाए तो कितना रोला आ जाए, न नेहरू की बायोग्राफी से दूंगी न गांधी की। तो ये भी बात की भगवान की बायोग्राफी के ऊपर उसके बच्चे का नाम दे दिया, तो बच्चे की भी बायोग्राफी सिद्ध नहीं हुई है श्री कृष्ण की और न भगवान की। तो ये सभी समझना है, इसका मतलब ये नहीं कहीं ऐसे समझते कि ये शायद श्री कृष्ण को मान, श्री कृष्ण को तो हम जितना मानते हैं ना इतना कोई, क्योंकि हम वही तो बनने का हा? अर्थात हम वही संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनने का तो यत्न रख रहे हैं, हम उनको पूजनीय समझते हैं ना, तो हम पूजनीय कितने ऊंचे थे। अभी देखो पुजारी खुद ही कहते हैं आप ही पूजा आप ही पुजारी, और वो है एवर पूज्य मनुष्य पूजनीय लायक बने, बनाया किसने परमात्मा ने। तो ये सभी चीजों को समझने का है ना, तो बाप बैर कर करके अभी समझाती, तो हर एक बात को समझना है, बाकी ऐसे नहीं है कि बस देखो हमारे पास तो देखो ये श्री कृष्ण का कितना मान है बतला के समझाते कि देखो यही फिर कितना ऊंचा और सतयुग का यही था मुख्य, और यही तो अभी परमात्मा आकर के ऐसा संसार बनाने का, तो ये मनुष्य की स्टेटस है, लेकिन परमात्मा निराकार की स्टेटस तो निराकार की रही। तो ये सभी चीजों को समझना है और समझ के फिर उसी मुताबिक चलने का है। तो अभी क्या करना है, बी होली एंड बी योगी अर्थात पांच विकारों को छोड़ने का है, और जो पापों का बोझ है सिर पर
वो भी परमपिता परमात्मा कहता है कि अभी मुझे याद करो, जिसको राज योग, और उसी द्वारा फिर तुम्हारे योग के पावर से तुम्हारे पाप दगत होंगे। ये सभी चीजों को समझने का है, तो अभी उससे याद करना है। योग का मतलब है याद, बाकी ऐसे नहीं आसन लगाना है ये करना, नहीं, याद, चलते फिरते, घर ग्रस्त में रहते, जिसको कर्म योग का है, इसके लिए कोई घर बार छोड़ने का नहीं है। भगवान ने आकर करके वही शिक्षा दी है कि ग्रस्त आश्रम, ग्रस्त धर्म, नाते में भी कहते हैं धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म पति, हाँ ये सब है ना, तो ऐसा बनने का है। तो ये सभी चीजें समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, बाप दादा, अभी समझ गए बाप कौन दादा कौन, ये सभी समझना। तो बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत बच्चों को याद किया और गुरु।